हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुलपनाग का नाम लेते ही आपको उनकी वो प्यारी सी स्माइल जरूर याद आ जाती होगी जो उनकी क्यूटनेस में चार चांद लगा देता है। लेकिन गुलपनाग जितनी क्यूट और खूबसूरत हैं, रियल लाइफ में उतनी ही धांसू भी हैं। आप जब भी उनकी पर्सनल लाइफ को देखेंगे तो लगेगा यार क्या लाइफ है। मतलब हम लाइफ में कोई एक लक्ष्य पकड़ते हैं और वो बनना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन गुलपनाग ने इस मामले में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। ऐसी लाइफ हर लड़की या कहूँ हर लड़का भी पाना चाहेगा। हाँ, मगर करने और पाने में फ़र्क होता है और ये फ़र्क आपको तो समझ आता ही होगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। गुलपनाग का जन्म 3 जनवरी 1979 को चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे जिसके कारण उन्हें देश विदेश घूमने का बहुत मौका मिला, और लगातार जगह शिफ्ट करने के कारण गुलपनाग लगभग 14 अलग अलग स्कूलों में पढ़ी हैं। इनमें से कुछ इंडियन स्कूल्स हैं और कुछ फॉरेनर स्कूल्स। उन्होंने मैथ्स में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। गुलपनाग स्पोर्ट्स और पब्लिक स्पीकिंग यानी कि डिबेट में काफ़ी एक्टिव थी। उन्हें नेशनल और स्टेट लेवल पर इससे जुड़े कई अवार्ड्स मिले हैं। उन्होंने खुद को यहीं तक सीमित नहीं रखा। 1999 में उन्होंने मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया जिसमें उन्होंने मिस इंडिया के साथ साथ मिस ब्यूटीफुल स्माइल का भी टाइटल जीता। उन्होंने इसी साल मिस यूनिवर्स के लिए भी पार्टिसिपेट किया था। 2003 में टीवी शो कश्मीर से उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। सेम ईयर उन्हें धूप नाम की एक फिल्म भी मिली, लेकिन मूवी को कोई पहचान नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने 2-3 फिल्में की लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। 2006 में उनकी डोर फिल्म आई जिसमें गुलपनाग के सपोर्टिंग रोल को बहुत सराहा गया। इसके अलावा आपने उन्हें मनोरमा 6 फीट अंडर, हेलो, टर्निंग 30 जैसी फिल्मों में देखा होगा। गुलपनाग ने कई टीवी शोज भी होस्ट किए हैं। गुलपनाग सोशली भी काफ़ी एक्टिव हैं। वो अपना एक NGO चलाती हैं और समय समय पर सोशल वर्क से रिलेटेड कैंपेन का भी हिस्सा बनती रहती हैं, जैसा कि आपने उन्हें अन्ना हजारे द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार मुक्त भारत मूवमेंट में भी देखा होगा। इससे आप ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव होंगी। गुलपनाग आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और उनकी तरफ से उन्होंने 2014 का चुनाव भी चंडीगढ़ से लड़ा था जिसमें वो 3rd आई थी। उस साल वहाँ से किरण खेर ने चुनाव जीता था। इसके अलावा गुलपनाग एक सर्टिफाइड पायलट भी। 2016 में उन्हें लाइसेंस्ड पायलट घोषित किया गया। उन्हें बाइक चलाने का भी काफ़ी शौक है और वो अक्सर बाइक पर देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करती रहती हैं। उनकी अचीवमेंट्स बस इतनी ही नहीं है, वो इंडिया की पहली महिला हैं जिन्होंने फॉर्मूला ई रेसिंग कार प्रोफेशनल तरीके से चलाई है। गुलपनाग ने जेट एयरवेज के कैप्टन और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड ऋषि अट्टारी से 2011 में शादी की। दोनों एक दूसरे को काफ़ी अंडरस्टैंड और सपोर्ट करते हैं। गुलपनाग के पॉलिटिकल करियर से लेकर पायलट बनने तक के सफ़र में उनके हस्बैंड हमेशा उनके साथ खड़े रहे। गुलपनाग ने 39 साल की उम्र में मां बनने का फैसला किया। उन्हें एक बेटा हुआ है जिनका नाम उन्होंने निहाल रखा है। गुलपनाग का मानना है कि आप माँ तब बने जब आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हों, ना कि तब जब आपको सोसाइटी कहे। उनके हिसाब से उनके बेटे का कोई भाई या बहन जरूर होना चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि सिबलिंग से आपकी जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन इस उम्र में अब उनका माँ बनना मुश्किल लग रहा है तो शायद वो कोई बच्चा अडॉप्ट करे या सरोगेसी की मदद ले। गुलपनाग समय समय पर अपना स्ट्रांग ओपिनियन भी रखती रहती हैं। गुलपनाग ने 2010 में दिल्ली हाफ मैराथन में भाग लिया था जहाँ वो मेल रनर के द्वारा ईव टीजिंग का शिकार हो गई थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के मर्दों को औरतों के प्रति अपना व्यवहार बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने एक्ट्रेस रेखा को भी लोकसभा का सदस्य मनोनीत किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने सवाल उठाया था कि रेखा का किसी भी प्रकार का योगदान ऐसा नहीं है जो इन्हें लोकसभा के नॉमिनेशन के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट साबित करे। गुलपनाग के लाइफ को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप सपने एक नहीं बहुत सारे देख सकते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वो करें और अपने लिए आइडियल बने जो आपको पसंद है, ना कि जो आपको समाज करने के लिए बाध्य करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।